ये है घोड़ा, ये है घोड़े के बच्चे, ये घोड़ा खाता है पकौड़ा। लेकिन ऐसी चीजें घर में होनी नहीं चाहिए जहां तक मुझे लगता है। मैंने खुद को डरा लिया। हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो क्या है ना कि गर्मियां मुझे ऐसे तो खराब नहीं लगती, बस क्या है कि चिड़िया, जानवर, जितने भी ये जो बाहर घूमने वाले जीव हैं, इन सबको जब गर्मी लगती है, इनके पास कोई आसरा नहीं होता है, कुछ होता नहीं है, बेचारे बड़े परेशान होते हैं, तो मुझे इसलिए बहुत खराब लगता है। हम लोग तो अपने घर पे हैं, एसी में हैं, अच्छे से हम पानी पी सकते हैं, खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट वो जानवर नहीं कर सकते। तो क्या है ना कि किसी भी चीज़ की एक्सट्रीम अच्छी नहीं होती है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंड, ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी। तो यही लगता है कि थोड़ा सा सब कुछ बैलेंस होके चले। कुछ सब्जियाँ आती हैं बड़ी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर, तो उसमें से एक लाल भाजी। लाल भाजी एक्चुअली मैंने खाई बहुत है लेकिन बनाई बहुत कम है, एक आध बार कभी बनाई होगी। और मम्मी लोग के मुंह से, नानी दादी इन सबके मुंह से सुनते थे कि घर में लाल भाजी उगी है और वो लोग बनाया करते थे, तो बड़ा देसी टाइप का लगता था। तब तो कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन अब जब बड़े हुए तो पता चला कि ये सब अच्छा टेस्ट होता है इनका, और बनाने में एकदम ऐसी फीलिंग देती है कि एकदम चट इतनी सारी सी काट दो लेकिन बनती इतनी बढ़िया, बट उसका स्वाद बहुत टेस्टी होता है। तो आज मैंने वही मंगाई और मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही ज्यादा पसंद है कि बिल्कुल शाकाहारी टाइप का भोजन किया जाए और लाल भाजी, दाल, चावल, रोटी, कुछ इस टाइप का। तो मन कर रहा था, वही बचपन वाली फीलिंग आ रही थी। तो क्या है कि हम लोग नॉनवेज लवर थोड़ा ज्यादा हैं, तो उसी टाइप की चीजें खाते रहते हैं, बट इन सब चीजों में भी काफी मजा आता है। तो आज मैंने कुछ सब्जियां मंगाई और उसमें से क्या था कि बहुत ज्यादा सब्जियां मंगा के रखने से ना वो खराब हो जाती हैं, तो मैं ज्यादा मंगाती ही नहीं, थोड़ा 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 करके मैं मंगाती हूँ, और वो काफी मुझे लग रहा है कि अच्छा है उसका रिजल्ट। बहुत ज्यादा एक साथ मंगा लो ना तो वो खराब हो जाती है। अभी मैं जा रही हूँ लाल भाजी के पत्ते तोड़ने, हालांकि मुझे ये बहुत ही बोरिंग काम लगता है, मटर छीलना, पत्ते तोड़ना, मेथी तोड़ना, ये सब बहुत बुरा, ये तो कभी किया ही नहीं है, बट आज मुझे करना पड़ेगा बिकॉज बिल्कुल फ्रेश फ्रेश है, और फ्रेश फ्रेश अगर बना लो तो क्या बनेगी, मतलब सोच नहीं सकते। इतनी बढ़िया लाल भाजी, मतलब ऐसे मैं इतनी बड़ी हो गई, मुझे इतनी मैं इतनी मेच्योर हो गई कि मुझे पता है कि ये सब्जी अच्छी है, ये खराब है, इतना ज्यादा मुझे नॉलेज आ गया, पता नहीं कैसे आ गई। ठीक है, तो अभी चलते हैं, हम लोग खाना बनाते हैं, खाना बनाते बनाते बात करेंगे। हेल्पर छुट्टी पे है तो हम लोग चाय पियेंगे अपने हाथ की बनाई हुई। तो ये रही हमारी लाल भाजी, देखिए कितनी ज्यादा फ्रेश है। तो अब हम इसे तोड़ने जा रहे हैं। जब मैं छोटी थी तो मैं इतना नाक मुंह सिकोड़ती थी इसे खाने के लिए, मम्मी को इतने जतन करने पड़ते थे कि मैं हरी सब्जियां खाऊं, कुछ खा लूं, बट मैं कभी नहीं खाती थी। बट अब ये चीजें मुझे हेवन लगती हैं, व्हेन मैच्योरिटी हिट्स यू हार्ड। वैसे कमेंट्स में बताना कि ये सच में लाल भाजी है या कुछ और नाम है इसका, मुझे ये नहीं पता। तो हमें ये काम थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, हम ऐसे ही नहीं बैठ सकते। ये है हमारी लाल भाजी, जो कि ब्राउन ग्रीन दिख रही है। ये ग्रीन क्यों लग रही है? लाल ना, भाजी है ना ये? मुझे क्या लगा? क्या बना डाला? अच्छी है, लेकिन मुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी अभी। मुझे ऐसे पता है एकदम सादी दाल में घी डाल के बड़ा अच्छा लगता है, दिखने में ना। दिखने में नहीं, खाने में। और रेशम जैसी रोटियां बनी है ना, रेशम जैसी रोटियां, रेशम जैसी होती हैं रोटियां बनी हैं, बहुत अच्छी, इतनी टेस्टी रोटी है, सूखी रोटी खा जाओ। हम तो इसमें आलू भी डाल देते, पता है आपके चक्कर में आलू नहीं डाला। तो ट्रेनिंग लो ना उससे खाना बनाने की। लाल भाजी है तो ऐसे ही खिलाती थी मेरी मम्मी मुझे, ऐसे ही खिलाती थी। कैसे? ऐसे इस तरीके से इसको बिल्कुल मिक्स करके, फिर आलू आपके आलू आलू भी बड़ा होता था, और ऐसे करके ये लो दोस्तों खा लो, और माना कानी करते थे नाटक दोस्तों की। खा लो, वही बनना है क्या आपको? आप खाओ, चाय पियोगे? हाँ।
कैसी बनी चाय? बहुत अच्छी बनी है, मुझे अपना वेट कम करना है। रोज यही बोलते हो। तो ये है हमारा तरबूज, फ्रिज में ठंडा हो रहा है, अब उसको बाहर निकाल के गर्म करते हैं। ये क्या है? मिट्टी? मिट्टी नहीं है, काला नमक है। पीछे से कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना, तो खोल दो। नहीं, हवा आई। कैसे लग रहे हैं? बढ़िया है। ये अच्छा है, जो पूरे ग्रीन होते हैं ना, ये वाले अच्छे होते, देसी होते हैं। जो जिगजैग वाले तरबूज होते हैं वो नकली होते हैं, चाइनीज। जिगजैग वाला कौन तरबूज होता है? तो फिर नकली है। जिगजैग उसमें डिजाइन होती है, डिजाइन होती है ना। मैंने तो कभी नहीं देखा। और जिसमें जिगजैग डिजाइन होती है ना तरबूज में, हाँ वही जिगजैग होती है। जिगजैग कहाँ होती है? होती है जिगजैग। देखो बहुत ज्यादा मीठा भी नहीं। येलो तरबूज खाया? येलो तो आज जब मैंने सब्जी मंगाई तो बड़े छोटे छोटे लहसुन ले आया हो, थोड़े बड़े लहसुन चाहिए थे। छोटे लहसुन में क्या होता है ना, तो छीलते रहो टाइम बहुत लगता है और ढेर सारे में भी कोई काम नहीं चलता। और मुझे चाहिए रहता है बहुत सारा लहसुन। आपको दिखाना चाह रही थी अपना ये हुक्का, ये बेचारा ऐसे पड़ा हुआ है, इसको मुझे सजा के रखना था और कभी कभार लेने का मन तो करते ही है। तो ये ऐसे ही रखा हुआ है बेचारा, इसको किसी दिन लगा के और मुझे इस जगह पे, इस वाली जगह पे बनाना था एक बढ़िया सा, मतलब कॉर्नर सब सजा वजा के, बट ये कुछ बन नहीं पा रहा है। यहाँ पे आ गई है हमारी ट्रेडमिल, ये इस काम के लिए यूज़ होती है, लेकिन इस कॉर्नर को मैं कभी ना कभी तो ज़रूर बनाऊँगी। बोल में तो मुझे सेवैयाँ बना के रखनी थी जो कि अब तक हो नहीं पाया है, ईद भी आ गई और मैंने सेवई नहीं बनाई। अब मैं कल सेवई बनाऊंगी कैसे भी करके, क्योंकि क्रेविंग तो होती ही है। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ हस्बैंड का सर दबाने, बिकॉज उनके सर में दर्द हो रहा है और एक पत्नी होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहूँ। आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं और तब तक के लिए लव यू।